हेलो फ्रेंड, मैं फातिमा रंगरेज। आज मैं आपके लिए मूंग की दाल की बड़ी बना रही हूँ। इसके लिए हमने 250 ग्राम मूंग की दाल ली थी, जिसको हमने रात 2 से 3 घंटे पानी में सोक कर दिया है। अब हम इसमें 5 से 6 ड्राई रेड चिली डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। और इसके लिए हमने लिया 2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबल स्पून फिनल सीड्स, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, पिंच ऑफ एसोफटीटा एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपको दाल पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, जिससे ये दाल हमारी आसानी से ग्राइंड हो सके। देखिए फ्रेंड, ये हमारी दाल कितनी अच्छी तरह से पीस गई है। इसमें देखिए पानी भी ज़्यादा नहीं है, बस इसकी थिकनेस इसी ही रहनी चाहिए। अब हम इसके अंदर ड्राई हमारे जो मसाले हैं वो मिक्स करेंगे। अब हम जो हमारा ये जो पेस्ट है हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके अंदर जो हमने हमारे जो मसाले लिए थे, कोरिएंडर सीड्स, फिनल सीड्स, क्यूमिन सीड्स, ये हम इसके अंदर डालेंगे। पिंच ऑफ हींग डालेंगे, एसोफटीटा, एंड हम इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। वो आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप कम ज़्यादा किसा खाते हैं। फिर इस हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हमने ये एक स्टील का थाल लिया है, इसके अंदर हमने इसको वॉश करके पहले से ही हमने इसके अंदर ऑयल लगा दिया है। अब इस तरह का आप चाहे तो आप प्लास्टिक के शीट पर बना सकते हैं, आप इसको कॉटन के क्लॉथ पर भी बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर हम इसे हाथ में लेके और इसको हम बड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो इसे छोटी भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे बड़ी भी बना सकते हैं। इसी तरह हम पूरे बैटर की बड़ी बना के हम इसको फिर धूप में सुखा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, आप इसे थोड़ा थोड़ा बैटर अपने हाथ में लेके इसे पूरे आप हम उसको बना देंगे। आप इसकी थिकनेस देखिए, इसकी थिकनेस कितनी है। आप इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा, वरना फिर ये बनने में बहुत प्रॉब्लम होगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इस तरह से बनाकर हमने पूरी इसमें थाल में कर दिया। अब हम इसे धूप में सुखाएंगे, 1 से 2 दिन के हम इसको धूप लगाएंगे, जिसके अंदर ये पूरी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको 2 दिन की धूप लगा के कितनी अच्छी तरह से सूख चुकी है। इसका कलर भी देखिए कितनी अच्छी तरह से, कितनी क्रिस्पी बनी आप इसके साउंड से देख सकते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसकी सब्ज़ी बना के बताऊँगी कि इसकी सब्ज़ी किस तरह से बनाती है। थैंक यू।